नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमारो पर। मित्रों, मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ, खासतौर से इस कड़ी में जो स्वास्थ्य लाभ है, दर्द दूर करने के उपाय, आपके घाव सही करने के उपाय, फोड़े फुंसी और इसके अलावा बीमारियों से लड़ने के उपाय। इसी में हमारे पास एक बड़ा गंभीर सा अनुरोध आए हैं, उसमें मिर्गी मूर्छा नाशक कुछ है, तो मिर्गी में जो बेहोशी आ जाती है उसको आप कुछ कर सकते हैं। हम नहीं, आप ही कर सकते, पर आप पहले तो ये करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद देखिए शावर मंत्र जिसे कहते हैं मिर्गी मूर्छा नाशक मंत्र, यानी मिर्गी मूर्छा से आपको दूर करता है, उसका इलाज करता है। ओम हलाल सरगत मंडिया पुरिया श्री राम जी फूके, मिर्गी बाई सुखे सुख होई, ओम ठह ठह स्वाहा। ये वो शावर मंत्र है जो मिर्गी मूर्छा नाशक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है आपको, किसी रविवार को या मंगलवार को नहा धोकर इस मंत्र को 21 बार जपिए, अष्टगन ले आइए, अष्टगन स्याही रूप में इस्तेमाल करिए और भोजपत्र पर अनार की लकड़ी से, यानी अनार की लकड़ी हुई कलम, भोजपत्र हो गया वो पेपर जिस पर लिखना है, अष्टगन हो गई हुई स्याही जिससे लिखना है, उस पर इस मंत्र को लिखिए, उसे लोबान के धुएं में, भोजपत्र पर लिखे जाने के बाद लोबान के धुएं में उसे सेंक लीजिए उस भोजपत्र को, और फिर किसी कपड़े में लपेट के या किसी ताबीज में डाल के उसे रोगी के गले में बांध दें। जब मिर्गी मूर्छा आने वाली हो आपको लगे तब, और आ गई हो तब भी बांध सकते हैं, लेकिन मिर्गी मूर्छा फिर आएगी नहीं अगर बंधा रहेगा, तो पहले से बंधा रहे और अच्छा है। और इससे अच्छा ये है कि आप हमारे चैनल ओम आलोक को देखते रहिए, हम ऐसे उपाय बताते रहेंगे। ये फिलहाल अंतिम उपाय था इस स्वास्थ्य लाभ कड़ी में, और आपके लिए विषय लेके आएंगे नए नए विषय, जो आप चाहते हैं वो आप हमें बताइए, हम भी विषय चुनते हैं, आपके अनुरोध पर भी काम। हमारे चैनल ओम आलोक इसी दिशा में जा रहा है, इसे देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।